हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस करंट वीडियो में मैं आपको प्री ऑर्डर नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि आप यूज कर सकते हो बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल के लिए। कंटेंट को जाने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ट्री ट्रैवर्सल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। जहां तक ट्री का सवाल है, ट्री जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से यहाँ पे मैंने दो मेंशन किए हुए हैं, जो कि है DFS और BFS। DFS जो होता है वो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक होता है, जिसमें ये तीन सब टेक्निक्स होते हैं, जो है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ये तीनों टेक्निक्स, जहां पे मैंने बोल्ड किया है, ये तीनों टेक्निक्स जो है वो रूट नोड की प्रोसेसिंग के पोजीशन पे डिपेंड होता है। जैसे कि प्री ऑर्डर मतलब कि पहले, प्री मतलब पहले, तो ये रूट नोड जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री से पहले प्रोसेस होता है, इसलिए इसका नाम दिया है प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर जो कि रूट नोड जो होता है वो लेफ्ट के बाद और राइट से पहले, मतलब कि रूट नोड जो होता है वो प्रोसेस होता है लेफ्ट और राइट के बीच में, इन बिटवीन, सो दैट्स वेयर इसका नाम रखा गया है इन ऑर्डर। और पोस्ट ऑर्डर, अभी आप समझ सकते हो कि पोस्ट का मतलब है बाद में, तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट को प्रोसेस करके रूट नोड को सबसे लास्ट में, बाद में रूट नोड को राइट और लेफ्ट और राइट के बाद में जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर। तो ये सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये करंट वीडियो सीरीज जो चल रहा है मेरा, वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पे चल रहा है। और ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ होता है, उसको ही लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कहा जाता है। अगर आपको ये जो सारे टेक्निक्स है इनके बारे में डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे आपको उस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें ये सारी चीजें मैंने कवर की हुई है। अभी हम आगे जाके देखते हैं मेनली जो इस वीडियो सीरीज का और इस वीडियो सेशन का मेन पार्ट है, वो है बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, जिसमें हम प्री ऑर्डर हम कवर कर रहे हैं। अभी प्री ऑर्डर, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, इसको बोलते हैं NLR। N जो स्टैंड होता है वो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। N जो स्टैंड होता है वो रूट नोड के लिए स्टैंड होता है, L जो है वो लेफ्ट के लिए, और R जो है वो राइट के लिए। प्री मतलब लेफ्ट एंड राइट से पहले रूट नोड प्रोसेस होता है, इसलिए इसका नाम प्री ऑर्डर रखा गया है। अभी आपको मैं अल्गोरिदम एक्सप्लेन करती हूँ कि नॉन रिकर्सिव अल्गोरिदम क्या होता है। तो सबसे पहले नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम अगर आपको जानना है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम एक्सप्लेन किया है जो कि आप कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का क्या होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के डिटेल्स का भी वीडियो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज आप, अगर आपको स्टैक पता नहीं है तो आप पहले देख लीजिए और उसके बाद आप ये वाला वीडियो रेज्यूम कर सकते हो। तो चलो नॉन रिकर्सिव प्री ऑर्डर का एल्गोरिदम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉन रिकर्सिव इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे होता है कि हम इटरेशन यूज करके ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। मैंने पहले वाले वीडियो सेशन में ऑलरेडी रिकर्सिव वाला एल्गोरिदम एक्सप्लेन किया हुआ है। रिकर्सिव एल्गोरिदम जो कि इंटरनल और इम्प्लिसिट स्टैक यूज करके हम एग्जीक्यूट करते हैं, और
अगर हमें इटरेशन यूज करना है तो हमें एक्सप्लिसिट स्टैक यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि उस स्टैक को प्रोग्रामर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, और उसके बाद हम उस स्टैक का यूज करके ये वाला एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी उसके बाद हमें स्टैक ही क्यों यूज करना है, क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो, ये जो तीनों ट्रैवर्सल है वो होते हैं डेप्थ सर्च ट्रैवर्सल टेक्निक। अगर हमें डेप्थ में जाना है तो उसके लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर्टी है और बिहेवियर है वो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं उस हर एक लेवल को हम स्टैक में पुश करते जाएंगे, और रिटर्न आने के लिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आपको ट्री पता है तो ट्री को नीचे डेप्थ में जाने के लिए पॉइंटर हमारे पास है, पेरेंट नोड के पास उसके चाइल्ड नोड के एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं, पर अगर चाइल्ड से हमें पेरेंट को जाना है तो उसके लिए बैक लिंक कोई भी अवेलेबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है जो कि हमें रिटर्न टू बैक लेवल आने के लिए मदद करेगा। ये सारी चीजें आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है कि हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करना है। तो आप आई होप आपको अभी समझ में आ गया है। तो मैं एल्गोरिदम स्टार्ट करती हूँ। अभी यहाँ पे प्री ऑर्डर जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो एक फंक्शन है जिसपे हमें रूट को सबसे पहले पास करना है। हमें स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले क्रिएट करना है, स्टैक क्रिएट करना है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो स्ट्रक्चर नोड, क्योंकि इस स्टैक में हम जो हमारा नोड है वो पुश करने वाले है, पॉप करने वाले है, या कि हम बोल सकते हैं स्टोर करने वाले है। इसलिए स्टैक का डेटा टाइप जो होगा वो स्ट्रक्चर नोड होगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है, अब सबसे पहले हमें रूट से स्टार्ट करना है और रूट को हमें स्टैक पे पुश कर देना है। अभी स्टेप थ्री से आगे वाली जो सारी स्टेप्स है 3.1, 3.2, 3.3 आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सारी चीजें हमें इटरेटिवली परफॉर्म करनी है यूजिंग व्हाइल लूप, जहां तक की कंडीशन होगी स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये सारी तीनों स्टेप्स हमें एग्जीक्यूट करनी है, और जैसे ही हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है हमें पूरे फंक्शन से एग्जिट हो जाना है। इसका मतलब अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मेरा ट्री ट्रैवर्सल कंप्लीट हो चुका है और मुझे एग्जिट हो जाना है। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब हमारा ट्री ट्रैवर्सल अभी कंटिन्यू है, चल रहा है, और वो हमें स्टैक एम्प्टी होने तक कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहली स्टेप देखते हैं हमारी व्हाइल लूप में और इटरेटिव लूप में, जो कि है 3.1, जो कि हमने यहाँ पे पुश किया था रूट नोड सबसे पहले, उसको हम पॉप कर लेंगे और उसको डिस्प्ले कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है जिसमें हमें सबसे पहले रूट को प्रोसेस करना है। इसलिए हमने रूट को पुश किया था तो उसको पॉप कर लिया और उसको डिस्प्ले कर लिया। अभी उसके बाद जो रूट अभी हमने पॉप किया है उसका अगर राइट चाइल्ड है तो वो हमें यहाँ पे पुश करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, पुश राइट चाइल्ड ऑफ पॉप्ड नोड, पॉप जो हमने अभी रूट नोड पॉप किया है उसका अगर राइट चाइल्ड है इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो उसको हमें पुश करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पहले राइट चाइल्ड क्यों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसका बिहेवियर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो राइट चाइल्ड हमें पहले पुश करना है और लास्ट में हमें लेफ्ट चाइल्ड पुश करना है, जो कि हमारा 3.3 स्टेप है। अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको हमें लास्ट में पुश करना है, क्योंकि लास्ट जो इन होता है वो सबसे पहले आउट होता है। तो हमें सबसे पहले ये दोनों में से, लेफ्ट और राइट में से, सबसे पहले हमें क्या प्रोसेस करना है, लेफ्ट, इसलिए हमें सबसे लास्ट में लेफ्ट चाइल्ड को पुश करना है जो कि सबसे पहले आउट होगा, और उसके बाद जो सबसे पहले इन हुआ था वो सबसे लास्ट में आउट होगा, क्योंकि हमें राइट को सबसे लास्ट में प्रोसेस करना है। तो इसलिए हमें सबसे पहले राइट को पुश करना है, बाद में लेफ्ट को पुश करना है।
ये सारी चीजें हमें कंटिन्यू करते रहनी है जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। जैसे ही हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है हमें यहाँ पे स्टॉप करना है और हमारा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो चुका होता है। अभी ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये सिंपल वाला एग्जांपल लिया है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे फिर से एल्गोरिदम डिस्प्ले कर रही हूँ। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है जो कि हमें स्टैक क्रिएट करना है। अभी ग्राफिकली मैंने यहाँ पे स्टैक क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे अगला वाला स्टेप आपका क्या है, जहाँ पे आपको रूट नोड पुश करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने यहाँ पे स्टेप नंबर टू है पुश रूट ऑन टू द स्टैक। तो मैंने यहाँ पे रूट नोड को, जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्री में रूट नोड ए है, उसको मैंने पुश कर लिया। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का आउटपुट डिस्प्ले कर रही हूँ, रिजल्ट डिस्प्ले कर रही हूँ, जो कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के बाद आने वाला है। अभी हम इटरेशन में एंट्री लेने वाले हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट स्टेप है टू चेक हमारा स्टैक अगर एम्प्टी है तो हमें स्टॉप करना है, अगर नहीं है तो हमें इटरेशन करना है, हमें अंदर जाना है। तो आप देख सकते हो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ये ट्रू हो गया। और उसके बाद हमें सबसे पहले जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप कर लेना है। तो यहाँ पे क्या पॉप होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ए पॉप होके अगले पॉप करके हमें क्या करना है, उसको डिस्प्ले कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर लिया। अभी उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि हमें जो नोड अभी पॉप किया है वो कौन सा है, ए। उसका राइट चाइल्ड है या नहीं हमें ये चेक करना है, प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करना है। आप देख सकते हो उसका राइट चाइल्ड प्रेजेंट है, तो अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें पुश कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सी को पुश कर लिया। अभी स्टेप 3.3 में हमें क्या करना है, फिर से हमें लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है, जो अभी पॉप किया था ए, उसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं वो चेक करना है। अगर वो है तो उसको भी हमें पुश करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट चाइल्ड है, तो उसको मैंने यहाँ पे पुश कर लिया। अभी फिर से इटरेशन के लिए जाएंगे, स्टेप 3 को चेक करेंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी है, नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए सबसे पहले जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप करके डिस्प्ले कर लेंगे। अभी आप मुझे बताओ कि आपको क्या पॉप करना होगा, बी या सी। टॉप ऑफ द स्टैक आपका क्या है, बी, तो आपको बी पॉप करना होगा और उसको डिस्प्ले करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बी को पॉप कर लिया और यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। अभी अगला वाला स्टेप हमें क्या करना है, बी का अगर राइट चाइल्ड है तो उसको पुश करना है। राइट चाइल्ड बी को नहीं है क्योंकि बी लीफ नोड है, राइट भी नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है। अगर नहीं है तो हमें ये स्टेप स्किप कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ प्रेजेंट तो हमें पुश करना है, नहीं है तो हमें ये स्टेप को स्किप कर लेना है। लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है तो उसको भी हम स्किप कर लेते हैं। फिर से इटरेशन के लिए जाएंगे, चेक करते हैं कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं, एम्प्टी नहीं है इसलिए टॉप ऑफ द स्टैक आपको पॉप कर लेना है। अभी आप देख सकते हो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका, सी, तो सी को पॉप करके हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सी को डिस्प्ले कर लिया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें सी का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड चेक करना है, दोनों भी नहीं है, दोनों स्टेप हमें स्किप कर लेनी है और फिर से इटरेशन के लिए जाना है। अभी इटरेशन में आप देख सकते हो आपका स्टैक एम्प्टी है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। और आप देख सकते हो कि आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल भी खत्म हो चुका है, जिसका आपका रिजल्ट है ए बी सी। तो इस तरह से हम नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम यूज करके कौन सा भी ट्री ट्रैवर्स कर सकते हैं। आप अभी देख सकते हो इस स्लाइड पे मैंने अगला वाला एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखा है। ये हो गया आपका नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम फिर से आपके रेफरेंस के लिए, और ये ट्री जो कि हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप आपने स्टैक क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पे बॉटम पे मैं यहाँ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का आउटपुट डिस्प्ले करने वाली हूँ। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके रूट को स्टैक में पुश करना है। तो चलो 10 को स्टैक में पुश कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें टॉप ऑफ द स्टैक पॉप करके उसको डिस्प्ले कर लेना है। तो 10 को पॉप कर लिया, उसको डिस्प्ले कर लिया।
10 के राइट चाइल्ड को पुश करना है, 10 का राइट चाइल्ड है 40, उसको पुश कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है 10 के लेफ्ट चाइल्ड को पुश करना है, तो उसको 20 को भी हमने पुश कर लिया। फिर से स्टेप नंबर 3 पे जाके आपको देखना है स्टैक एम्प्टी है या नहीं। स्टैक एम्प्टी नहीं है तो टॉप ऑफ द स्टैक हमें पॉप करना है। तो अभी क्या पॉप होगा, 20। 20 को पॉप करके यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। 20 के रेड चाइल्ड को अगर है तो उसको पुश करना है। आप ट्री में देख सकते हो 20 को रेड चाइल्ड अवेलेबल है, हाँ 20 को रेड चाइल्ड अवेलेबल है तो उसको पॉप कर स्टैक में पुश कर लेना है। अभी नेक्स्ट स्टेप है 3.3, 20 का लेफ्ट चाइल्ड हमें पुश करना है। 20 का लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है तो हमें ये स्टेप स्किप कर लेनी है। फिर से बैक जाके स्टेप नंबर 3 को हमें चेक करना है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि स्टैक में अभी भी डेटा अवेलेबल है, तो हमें टॉप ऑफ द स्टैक पॉप करके डिस्प्ले करना है। तो मैंने 30 को पॉप कर लिया और उसको डिस्प्ले कर लिया। अभी 30 के राइट चाइल्ड को 60 को पुश कर लिया, 30 के लेफ्ट चाइल्ड 50 को भी यहाँ पे मैंने पुश कर लिया। फिर से चेक करना है स्टेप नंबर 3 को इटरेटिवली, स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गया तो टॉप ऑफ द स्टैक मैंने पॉप कर लिया, मतलब 50 पॉप कर लिया और उसको डिस्प्ले भी कर लिया। अभी 50 का राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये लीफ नोड है, तो दोनों स्किप कर लिए। और फिर से स्टैक नॉट एम्प्टी है, कंडीशन ट्रू है तो टॉप ऑफ द स्टैक मतलब 60 मैंने पॉप करके डिस्प्ले कर लिया। फिर से 60 के राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो वो स्किप कर लिया। फिर से स्टेप नंबर 3 को जाके हमने चेक किया कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैंने टॉप ऑफ द स्टैक जो कि 40 है उसको भी पॉप कर लिया और उसको भी डिस्प्ले कर लिया। फिर से 40 को राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि 40 भी हमारा लीफ नोड है, तो उसको भी स्किप कर लिया। और फिर से हमने स्टेप नंबर 3 को जाके चेक किया कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है, और स्टैक अगर एम्प्टी है इसका मतलब हमें ये कंडीशन फॉल्स हो गई है और उसके व्हाइल लूप के में एंटर नहीं करना है। उसका ये भी मतलब है कि हमने सारे नोड्स ट्रैवर्स करके हो चुके हैं और हमें यहाँ पे स्टॉप होना है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे नोड यहाँ पे ट्रैवर्स हो चुके हैं और आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है 10, 20, 30, 50, 60 एंड 40। तो इस तरह से मैंने मेरा ट्री नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम यूज करके ट्रैवर्स कर लिया है। आई होप आपको ये ट्रैवर्स कैसे करना है समझ में आ गया है। अगर आपके पास अभी कौन सा भी ट्री हो तो आप ट्रैवर्स कर सकते हो। आपके लिए मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल में 5 एग्जांपल देके रखे हैं। आप उस एग्जांपल को ट्री को लेके वीडियो को पॉज करके ये एल्गोरिदम अप्लाई करके आप देख सकते हो कि आपका रिजल्ट करेक्ट आ रहा है या नहीं। आपका रिजल्ट मेरे उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो ट्रैवर्स करके दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि आपका रिजल्ट करेक्ट है या नहीं। तो आप वो सॉल्व्ड एग्जांपल वाला वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना भी ना भूलिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ इस वीडियो सीरीज का अगला वीडियो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, और उसके इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद टेक टॉक्स। थैंक यू।